हाई एवरी वन हाउ यू आर जूंग आई होप यू आर जूंग गुडे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर फोर्टीन फ्रॉम योर बुक ऑफ ग्रामर टीचर वी आर स्टार्टिंग द ब्रेन रूथ सीरीज राइट तो आज हमारे चैप्टर का नाम है कंटिन्यूस टेंस हमने लास्ट चैप्टर में सिंपल टेंस पढ़ा था अब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस टेंस इसके तीनों फॉर्म्स प्रेजेंट पास फ्यूचर सबसे पहले हम देखेंगे कंटिन्यूस टेंस होता क्या है सेंटेंसेस दैट दैट अबाउट एन एक्शन इज़ गोइंग ऑन एट द पर्टिकुलर मोमेंट वो सेंटेंस जो ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करे जो उस पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा हो जैसे वी आर स्टडिंग आई एम टीचिंग यू आर स्टडिंग आप देख सकते हैं ये चीज एट दिस पर्टिकुलर टाइम हो रही है राइट सो यह सारे हमारे जो वर्ब्स हैं स्टडिंग टीचिंग कंटिन्यूस टेंस में जाते हैं क्यों क्योंकि इनके साथ एक आई एन जी लग जाता है देख सकते हैं आप हाउ आई एम ट्राइंग टू से इट आई आई एन जी फॉर एम राइटिंग टीचिंग टी ई सी एच रिपीटिंग राइट सो इफ आई एम राइटिंग टीचिंग सो लेट्स सी आई एन जी कैन यू सी इन द एंड हमने आई एन जी यूज कर लिया So ing tells us कि ये जो पर्टिकुलर वर्ब है ये अभी कंटिन्यूस टेंस में है और ये अभी चल रहा है ठीक है ना हो पास तीन टाइप्स होते हैं कंटिन्यूस टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है एक ऐसा एक्शन डिस्क्राइब होता है जो अभी हैपनिंग ना हो ठीक है जो अभी हो रहा है जैसे आई एम स्लीपिंग वी आर प्लेइंग she is studying तो ये इज आर सारे प्रेजेंट वर्ब्स होते हैं राइट सो इसलिए हम आई एम स्लीपिंग में एम अपनी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप प्रेजेंट टेंस एंड आईएनजी टू मेक इट कंटीन्यूअस इस तरीके से हम अपना कंटीन्यूअस टेंस क्या वर्किंग कराते हैं ठीक है नेक्स्ट देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंसेस यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ठीक है टू एक्सप्रेस अ टेंपरेरी रूटीन एक्शन तो सबसे पहले क्या है कि कोई ऐसी चीज एक्सप्रेस करता है कंटिन्यूस टेंस जो उस टाइम पे हो रहा है जब हम बोल रहे हैं तब वो चीज़ भी हो रही है साथ साथ सेकेंड कोई ऐसी चीज जो कंटिन्यूसली चल रही है काफी दिनों से एक रूटीन एक्शन है जैसे वी स्टडी एवरी डे राइट आई एम लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग डेज ठीक है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज प्लान अरेंज टू टेक प्लेस इन द न्यू फ्यूचर ठीक है जो भी एक कोई ऐसी चीज जो बहुत ज़्यादा जल्द होने वाली है राइट right? सो so, वो भी हम अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस में डालते हैं जैसे शी इज गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग बहुत ज़्यादा लाइक सेम ही टाइम के अराउंड थोड़ी देर बाद होने वाली है राइट right? तो तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस ही यूज करते हैं टू एक्सप्रेस और फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक्शन जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे शी इज ऑलवेज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मेरा तो वो उसकी एक हैबिट बताई जा रही है Right? Right now, I hope you have understood. First, we have the task A, in which we have to rewrite the following sentences in present continuous tense. What is sentence? He goes to play in the park. So, what is it? He is going to play in the park. Right? He is going. I ate a cheeseburger. I am eating. The Prime Minister will visit the school. The Prime Minister is visiting the school. Hope it's clear. Next, Ram walks to the school. Ram is walking. So, last two now. Can you all try yourself? I think yes, you can. So, this one, fifth and sixth, are your homework. Let's move further.

you have to rewrite them in your homework we have discussed i want you to write yourself okay now fill in the blanks with appropriate present continuous form of the verb is present continuous form i dash to watch a movie at inox i am going we dash in the nearby park we are playing in the nearby park आपको समझ आ रहा होगा कंटिन्यूअस टेंस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द बॉयज डैश इन द पार्क आर स्विमिंग इन द पार्क प्लीज मेक श्योर कि आप वही वर्ब यूज करिए जो ब्रैकेट में दे रखा है रीता इज सिंगिंग एट द फंक्शन राइट नेक्स्ट इज द चाइल्ड इज प्लेइंग बेसबॉल द शेफ इज कुकिंग हिज फेमस रावियोली

एक कुछ टाइम पहले खत्म हुआ है थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है जैसे वी वर वॉचिंग टेलीविजन समझ रहे हैं आप सो वी वर वॉचिंग टेलीविजन ऑल इवनिंग और कैसे कैसे आप पास को यूज कर सकते हैं टू एक्सप्रेस एक्शन दैट एंड कंटिन्यूड फॉर द सेम टाइम इन द पास्ट द बेबी दॉज स्लीपिंग ऑल नाइट ही वॉज कंप्लेनिंग ऑल द टाइम और तो इसका मतलब क्या है जब आप रिपीटिडली एक ही चीज़ को रिपीट uh, करें राइट right? एक पीरियड ऑफ टाइम में वो चीज़ रिपीट हो रही है तब भी हम फास्ट कंटिन्यूस यूज करते हैं टुगेदर विद सिंपल टू गैदर विद न्यू एक्शन टू प्लेस इन द मिडल ऑफ एन अनफिनिश्ड एक्शन तो जब क्या होता है एक एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ पर उसके साथ एक और एक्शन शुरू हो गया तब भी हम यूज करते हैं जैसे ही वॉज नॉट कॉपिंग वन आई सॉ हिम तो आप देख सकते हैं कॉपी हमारा पास कंटिन्यूस फॉर्म में चला गया बिकॉज वॉज भी है वन आई सौ हमारा सिंपल पास्ट में हो गया तो ये दोनों को जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक एक्शन खत्म हुआ नहीं उससे पहले दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया तब हम क्या करेंगे सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस को एक साथ लिखेंगे ना वीव टू चेंज देंटिन्यूस फर्स्ट इज राज Shweta is singing her favorite song. Shweta was singing her favorite song. Siraj left home. Siraj was leaving home. My friends played in the field. My friends were playing in the field. I will be going to France. I was going to France. The boy cried all night. The boy. हु ऑज खाइंग ऑल नाइट यहाँ पर भी हमने देखा ना वो ऑज स्लीपिंग तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आएगा वो ऑज क्राइंग ऑल नाइट आई होप इट्स क्लियर कंप्लीट द सेंटेंसिस बाई यूजिंग पास कंटिन्यूअस आपको दोबारा से भाई एक्सरसाइज करनी है मतलब उसी तरीके की एक्सरसाइज करनी है जिससे हमने पहले करी थी आई डैश वेन ग्रानी केम होम आई वॉज स्लीपिंग सारा हुकिंग टू हर टन ब्रदर हु ओवरसीज इट वॉज रेनिंगली सो वी डि नॉट गो आउटसाइड फेंस वेल जब मैं गिरा था हम क्या कर रहे थे रेस लगा रहे थे तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं वी वर्ड रेसिंग भी आ गया पास भी आ गया और फेल सिंपल पास्ट भी आ गया नाउ द लास्ट टू सेंटेंट टू ट्राई योर सेल्फ इन यर होम वर्क राइट नाउ गोइंग टू सी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो एक्शन अभी फ्यूचर में होगा

नेक्स्ट वी हैव अगेन वन एक्सरसाइज सो वी है प्लैक्स विद फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस द टूरिस्ट विल बी स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज विल बी तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम फ्यूचर टेंस यूज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे तो विल बी या शैल बी प्लस आई एन जी लग जाए Or first form of the word. First form plus will be shall be plus ING. Is the Rikisapkohan? Second, he will be holding her hand tightly. She will be eating her dinner this time. They dash anything in the noisy place. They will not be hearing anything. Okay. Next is she dashed from japan tonight she will be coming from japan tonight they dash their homework they will be doing their homework next change the following sentences into interrogative and interrogative forms repeating change the following sentences into negative and interrogative forms first here it will be meaning when we will come back सो so अब इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे विल इट बी रेनिंग व्हेन वी कम बैक क्वेश्चन मैम नेगेटिव कैसे बनाएंगे इट विल नॉट बी रेनिंग व्हेन वी कम बैक ठीक है तो फर्स्ट हो गया सेकेंड देखेंगे शी विल बी अराइविंग बाय द मॉर्निंग ट्रेन विल शी बी अराइविंग बाय द मॉर्निंग ट्रेन ये हमारा इंटरोगेटिव है नेगेटिव क्या होगा शी विल नॉट बी अराइविंग बाय द मॉर्निंग ट्रेन आई होप दिस इज क्लियर लास्ट थ्री थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आई योर होमवर्क प्लीज ट्राई योरसेल्फ। ओके, नाउ वी रीराइटेड एन ओल्ड ट्रक येस्टे आई फाइंड माई कोटन इट तो जो आपको ब्रैकेट में दे रखा है उसमें आपको चेंज करना है उसके साइड वाला वर्ड तो कैसे करेंगे आई वॉज क्लीनिंग एन ओल्ड ट्रक येस्टे आई फाउंड माई इन इट Second, tomorrow at this time I will be playing golf. Third, the students were leaving the class when the teacher entered. Fourth, they admit more students to class one. They are admitting more students to class one. Now, fifth, sixth, seventh, and eighth, I want you to try yourself. Next is change these sentences as instructed. Okay.

They were painting on an enormous canvas. Future continuous. They will be painting on an enormous canvas. Geeta drove her new car to the office. Geeta is driving her new car to the office. So fourth one also. I hope it's clear. The last four I will give you as your homework for you to try. Okay. Yes. So that's it for the chapter 14. Now I will meet you in the next video. Till then. Thank you for watching. I will meet you in the next one now. Bye bye and take care.